हेलो बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लास। बेटा, हम अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं, जो हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो लेसन चल रहा है उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम दो पहरे पढ़ चुके हैं इसके, आज हम तीसरा पहरा पढ़ेंगे। हम एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे ताकि अच्छे से समझ पाए, एक एक वर्ड का मीनिंग पढ़ते हुए देखते हुए लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज हम तीसरा पैरा पढ़ेंगे, पहला और दूसरा हम पढ़ चुके हैं कि परशुराम और लक्ष्मण का जो संवाद था वो हम कर चुके हैं। अगला अब उससे आगे क्या होता है कि लक्ष्मण परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम उसे इतना ज्यादा मत बोल कि मैं तेरे माता पिता सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा और तू अपने माता पिता का इकलौती संतान है, इसलिए वो चिंता में पड़ जाएंगे। तू मेरे साथ उलझ मत, मेरे साथ पंगा मत ले। और फिर आगे अगले पहरे में क्या कहते हैं दोनों देखिए। अगला तीसरा पहरा है कि बिहिसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, अवो मुनिसु महाबठमानी, पुनी पुनी मोही देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहरू, इहा कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, प्रभु सुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो रिसरो की, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मार तहु पापरी है तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धनु धरभू धनु बान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहू छमू महा मुनि धीर, सुनी सरोस भ्रभु वंश वनी, मनि बोले इरा गंभीर। अब क्या कहते हैं कि बिहिसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, यानी परशुराम के जो अहंकार पूर्ण अहंकार से भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण हंसी आ गई। तो बिहिसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, वे लक्ष्मण मुस्कुराकर, बिहिसी का मतलब होता है हंसकर, हंसकर मृदु कोमल वाणी में बोले। बीसी लखनऊ बोले मृदु वाणी, परशुराम के जो व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी में बोले। क्या बोले? अहो मुनिसु महाभट मानी, महाभट होता है महान योद्धा, ठीक है, कि अहो हे मुनिवर या हे मुनिराज, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। अहो मुनिसु महाभट मानी, महाभट महान योद्धा मानी, यानी आप तो हे मुनिवर आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। पुनी पुनी मोही देखाओ कुठारू, पुनी पुनी बार बार मोही मुझे देखाओ दिखाते हो कुठारू कुल्हाड़ा, कि बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाते हो, चहत चाहते हो उड़ावन उड़ाना, फूकी फूक से पहाड़ू पहाड़, कि तुम तो फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। इहा यहाँ कुंभड़ बतिया को उनाही, कि यहाँ हम भी कोई कुंभड़ बतिया यानी छुई हुई के पौधे नहीं, कुंभड़ या एक कमजोर कहने का मतलब कि हम भी कोई कमजोर नहीं है, यानी जैसे कहते हैं ना छुई हुई का पौधा उंगली लगाते ही मुरझा जाता है यानी बंद हो जाता है वो, तो ऐसे ही लक्ष्मण कहते हैं कि हम भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं है, जो जे तर्जनी देखी मरी जाए, कि जो उंगली को देखते ही मर जाता है, तर्जनी को देखते ही मुरझा जाता है। देखी कुठारू सरासर बाना, सरासर होता है धनुष,
देखिए लक्ष्मण क्या कहना चाहते हैं कि हम भी बहुत कमजोर नहीं है जो आपकी ऐसी धमकियों से डर जाएंगे। हे मुनि, अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे मुनिवर, आपके हाथ में कुल्हाड़ा और धनुष बाण को देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित अभिमाना कहा, कछु कि कुछ कह दिया, सहित अभिमाना कि अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया, यानी आपको मैंने कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिससे आपको ठेस पहुंची हो। और वो ऐसा किस लिए कह दिया कि आपके पास कुल्हाड़ा भी है धनुष बाण भी है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके पास कुल्हाड़ा तो धनुष बाण को देखकर मैंने भी कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए हैं। ठीक है, वो क्या कह दिए, कह दिए। तो आगे क्या कहते हैं अगली पंक्ति में, भरपूर सुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो ऋषिरो की। यानी आपको भृगु ऋषि का पुत्र जानकर तथा आपके गले में जनेऊ, जनेऊ जो यहां से पहनते हैं, कि आपके गले में जनेऊ देखकर मैंने, आपने जो कुछ भी कहा वो मैंने अपना क्रोध रोक कर, अपना गुस्सा रोक कर सहन कर लिया है, यानी उसको सुन लिया है, अपने क्रोध पर काबू पा लिया है। क्या कहता है कि भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, यानी तुम्हें भृगुसुत भृगु का पुत्र समझकर और तुम्हारा जनेऊ देखकर तुमने जो कुछ कहा वो मैंने सहन कर लिया है और अपने गुस्से पर काबू किए रखा है। ठीक है, अगली पंक्ति में, सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ने सुराई। अब अगली पंक्ति में क्या कहा है कि लक्ष्मण क्या कहते हैं, सुर देवता महीसुर, महीसुर क्या होता है, ब्राह्मण, यानी देवता ब्राह्मण और हरिजन भगवान के भक्त, अरु और गाई गाय। ठीक है, महीसुर होता है ब्राह्मण और सुर होता है देवता, हरिजन भगवान के भक्त, हरि के भक्त और गाय। लक्ष्मण क्या कहते हैं कि सुर महीसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई होती है वीरता, कि हमारे कुल में इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती, यानी इनसे युद्ध नहीं किया जाता। किससे, देवता से, ब्राह्मण से और भगवान के भक्त से और गाय से, इन को हम नहीं मारते हैं, इन पर हम वीरता नहीं दिखाते हैं। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मार तहु पा परी है तुम्हारे, यानी इनको अगर हम मारते हैं तो क्या होता है, पाप लगता है और हार जाने पर अपयश होता है, इसलिए हम इनको मारेंगे भी नहीं। यदि आप मुझे मारोगे तो भी मैं तुम्हारे पैर पकड़ूंगा। क्या कहता है कि मार तहु पा परी है तुम्हारे, यानी आप मुझे मारोगे तो भी मैं तुम्हारे पैर पकड़ूंगा। कोटि कुलिस संबचनू तुम्हारा, व्यर्थ धरू धनु बाण कुठारा। कि हे मुनिवर, आपके तो वचन ही करोड़ों वाणों के, यानी वज्रों के समान कठोर है, आपके तो वचन ही इतने कठोर है, आपको तो ये कुल्हाड़ा और धनुष बाण धारण करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपने व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं कि ये धनुष बाण और ये फरसा वगैरह आप वैसे ही धारण किए हुए हैं। जो बिलो की अनुचित कही हूँ छमु महामुनि भेद। अब विश्वामित्र जी आ गए हैं और वो क्या कहते हैं कि जो लक्ष्मण ने जो कुछ कहा है इसके लिए वो माफी चाहते हैं। क्या कि हे महामुनि, यदि जो बिलो की अनुचित कहा कछु कही हूँ छमु महामुनि देव, कि हे महामुनि, यदि इसने कुछ अनुचित कह दिया हो तो इसे क्षमा कर दीजिए। कि हे महामुनि, यदि इसने कुछ अनुचित कह दिया हो तो इसे क्षमा कर दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। ठीक है,
सुनी सरोस भृगु वंश मनी बोले गिरा गंभीर। और ये विश्वामित्र के ऐसे वचन सुनकर भृगु वंश मुनि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले, यानी विश्वामित्र के ऐसे वचन सुनकर जो भृगु वंश परशुराम जी क्रोध पूर्वक क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। और बोले क्या वो हम अगले पहर में बोलेंगे। एक बार फिर से देखो इसी को कि बिहिसी लखनऊ बोले मृदुवाणी अहो मनीषु महावटवाणी, कि लक्ष्मण परशुराम के व्यंग भरे वचन सुनकर लक्ष्मण हंसकर वो मृदुवाणी कोमल वाणी में बोले कि हे महामुनि आप तो महान योद्धा हो, कि हे मुनिवर आप तो महान योद्धा हो। पुनि पुनि मोई देखाओ कुठारो, कि आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और आप तो फूक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुंभड़बतिया को उनाही, कि हम भी यहाँ कुंभड़बतिया कुंभड़ के फूल नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाएगी, जो आपकी उंगली देखते ही मर जाएंगे मुरझा जाएंगे, अर्थात हम भी कोई कमजोर नहीं है जो आपके धमकियों से डर जाएंगे। देखी कुठारू सरा सरबाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि तुम्हारे पास कुल्हाड़ा धनुष बाण देकर मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कह दिया है। प्रभु सुत समझू संजनेऊ बिलोकी, जो कछु सहू कहू सहो रिसरोकी, एने प्रभु का पुत्र समझकर और आपके गले में जनेऊ देकर आपने जो कुछ कहा उसे मैंने अपना गुस्सा रोक कर सहन कर लिया है, और अपने गुस्से पर काबू कर लिया है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलिन पर ने सुराई, देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय हमारे कुल में इन पर निर्दा नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, इन्हें मारते हैं तो पाप होता है और इनसे हारते हैं तो अपयश होता है। मार कहू पाप पर ही तुम्हारे, आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैर भी पकड़ूंगा। कोटि पुलिस सम वचन वचनू तुम्हारा, व्यर्थ धरू धनु बाण कुठारा, कि तुम्हारे तो वचन ही इतने कठोर हैं, सैकड़ों हजारों वज्रों के समान कठोर हैं, तुमने तो व्यर्थ में ही कुल्हाड़ा और धनुष बाण धारण किए हुए है। यानी तुम तो वचन ही इतने कठोर बोलते हो जिससे काट सकते हो, ये कुल्हाड़े की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहू छमू महा मुनि धीर, अब विश्वामित्र जी परशुराम का क्रोध बढ़ता हुआ देखते हैं तो वो कहते हैं, वो बीच में आते हैं और कहते हैं कि यदि कि हे मुनिवर यदि इसने कुछ अनुचित कह दिया है तो इसे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगु वंश मनि बोले गिरा गंभीर, और विश्वामित्र के बात सुनकर वचन सुनकर भृगु वंश परशुराम जी गंभीर वाणी में क्रोध के साथ क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। अब बोले हैं वो अगले पहरे में पढ़ेंगे क्या बोले हैं, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही बोलता है, इसको पढ़ लेना और समझ लेना, अपना एक एक वर्ड मीनिंग ध्यान से नोट कर लेना, फिर भी जो ना आए वो फिर पूछ लेना। एक बच्चे की जो थोड़ी सी पीछे की बची हुई है पहले वाले की, वो मेरे को टाइम मिलेगा मैं निकाल के आंसर उसके भेज दूंगी, ठीक है। आदित्य ने कुछ पूछा था, कुछ एक आंसर मैंने भेज दिए हैं, कुछ बचे हुए हैं वो भी भेज दूंगी, ठीक है। ओके बेटा, धन्यवाद।